ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के नियमों को धता बता रहे वाहन चालकों के हौसले बुलंद है। यात्री वाहनों की गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी भरकर लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। इस दौरान जिम्मेदार यातायात पुलिस प्रशासन भी मुख्य दर्शक बना हुआ है। डिंडोरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों के खुलेआम अवहेलना कर वाहन चालक ऑटो टैक्सी में क्षमता से अधिक सवारी भरकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और यातायात पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है, जबकि आम लोगों पर चालानी कार्रवाई कर धौंस जमाने में लगी रहती है। वहीं ऑटो टैक्सी चालकों को ओवरलोडिंग की खुली छूट दे रखी है। इस छूट के पीछे यातायात पुलिस पर ऑटो और टैक्सी चालकों से अवैध वसूली के भी आरोप लगे हैं। वहीं ऑटो ड्राइवर की माने तो वे भी यातायात पुलिस को महीना देने की बात कहते हैं। सबका प्यार भैया, सब देते हैं खर्चा पानी यार, इसीलिए तो आज चल रहा है। 500 रुपए महीना देते हैं। किसको? पुलिस वालों को। कौन को दे रहे हैं? वाहनों पर ओवरलोड सवारी के मामले पर यातायात थाना प्रभारी गिरिवर सिंह उइके ने बताया कि वाहनों की कमी की वजह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हमने ऐसे मामलों पर कई कार्रवाइयां की हैं, लेकिन आपको बता दें कि यातायात थाना प्रभारी की रिश्वतखोर कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हैं, जो सड़कों पर ओवरलोडिंग वाहनों को रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं। आज यातायात पुलिस और आरटीओ के संयुक्त अभियान में 6 ऑटो की लूट कार्रवाई की गई में, और हमने आरटीओ कार्यालय में आगे भी लगातार कार्रवाई जारी है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।